तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुकी है आज हिमालयन 450 वंस अगेन। ये देख सकते हो बिल्कुल न्यू ब्रांड है जो कि भैया लेकर आए थे लास्ट वीक, बट लाकर उन्होंने खड़ी कर दी घर पर, बिना काम करे चाहिए नहीं थी इसलिए। और सामान इसका निकल चुका है ऑलमोस्ट, देख सकते हो ये आपका हो गया हॉर्न, ये क्रैश गार्ड, सम गार्ड, मास्टर अंडर कैप, ये लगने वाले 60 वाट की, 70 वाट की फॉग लैंप्स, साथ में अभी और भी बहुत सारा काम स्टार्ट हो चुका है, लाइक सैडल स्टे वगैरह हो गया, और गाड़ी आपकी पूरी खुल चुकी है, टॉप पर प्लेट लग चुकी है इसके अंदर। और अब ना इसकी पहले करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और जो वायरिंग का वर्क है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि वायरिंग का वर्क जो होता है वो प्रोफेशनल ही, अगर वो आपको नहीं पता लगेगा तो करवाओगे कैसे। तो करते हैं स्टार्ट और थोड़ा कंप्लीट करके फिर आपको प्रॉब्लम फिट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे तो कनेक्शन वगैरह किस टाइप से होते हैं। और थोड़ा सा इंटरव्यू भैया से लेते हैं कि भैया को अभी तक का कैसा लगा आने तक का, तो बताएंगे सर कैसा लगा आपको अभी तक। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, खासकर जो राजू भैया हैं इनसे मिलकर लगता नहीं है कि मतलब किसी नई शॉप पे हम आए हैं, और इनका वेलकम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बेसिकली आप यहाँ जब आते हैं तो लगता है कि फैमिलियर शॉप पे आए हैं पहले से, और काम कराने में आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल देंगे कौन सा काम किस चीज़ के लिए हो रहा है, और साथ ही साथ क्वालिटी भी जो उन्होंने बताई है कि बेस्टेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ मस्ट विजिट शॉप फॉर एवरीबॉडी हु एवर इज गेटिंग दिस हिमालयन और एनी बुलेट इन पे अपनी उसमें ऐड कर रहे हैं, कलेक्शन में ऐड कर रहे हैं। एंड व्हाट इज अबाउट दैट? हाँ मतलब मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा मुझे वेलकम मिला यहाँ पे, और बंदे भी बढ़िया हैं इनके, और राजू भाई खुद ही बढ़िया हैं। तो मैं तो इनकी वीडियोज देख के आया हूँ, पहले मैं आज से नहीं देख रहा, मैं 2022 से इनकी वीडियो देख रहा हूँ, जब आप रोनिंग में फिटिंग करते थे टीवीएस रोनिंग की, तो उसकी पूरी जो आपकी है फिटिंग वगैरह वो सब मैंने देखी थी, और मुझे पहले वही लेनी थी मगर उसके बाद फिर मैंने अपना बजट बढ़ाया और हिमालयन लिया, तो मैं इसलिए सीधा आपके पास से आया हूँ। चलो अभी ये तो थोड़ा सा अभी बीच में इंट्रो लिया, बट क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा कहते हैं ना वेलकम, तो वेलकम भैया ने बधाई दिया कैसा है, बाकी जो एट द एंड होगा वो काम करने के बाद कंप्लीट किया फिर लेंगे भैया का रिव्यू दोबारा से, फिर भैया बताएंगे पूरा एक्सपीरियंस कि उनका कैसा रहा, और आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो चलो बने रहेंगे लाइक सब्सक्राइब करना रखना इसको, क्योंकि यूट्यूब इंस्टा दोनों। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, इसके अंदर फॉग लैंप हम फिट करते हैं तो हम करते हैं कपलर टू कपलर विदाउट एनी वायर कटिंग। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वायर कटिंग नहीं होती हमारे यहाँ, तो देखो कैसे होती है। और कभी भी काम करा दो ना किसी यहाँ पर तो आप भी अवेयर हो सको कि भैया ये क्या कर रहे हो, मैंने वीडियोस देखी हैं काम कैसे होता है कैसे होता। देखो मैं चेक कराता हूँ आपको पहले, ये देखो ये इसकी फॉग लैंप्स जो दो फॉग लैंप्स फ्रंट देख लो आप, एक आपको मिलती है ऊपर जो कि मिली मिलेगी मिनी मिलेगी डेबलाइज वाली, जिसमें साइड में भी कोटरिंग मिलेगा और फ्रंट में भी रेड मिलेगी आपको, ये लगा दी गई इस तरफ, और एक मिलेगा आपको नीचे 70 वाट, इसमें मिलती है आपको हार्नेस विद हार्नेस वाली, ये भी इसका इंस्टॉल कर दी गई है, दोनों ही एचजीजी ओरिजिनल है। और अब देखो इसकी वायरिंग, पहले आप देखो कहीं आपको जज हो रहा है कि कहाँ वायरिंग कहाँ जा रही है कहाँ जा रही, आपको देखने पता भी लगेगा, जो कि हमारे पास जो मिलेगा वो सिर्फ इसी तरीके का वर्क मिलेगा। पहले तो मैं दिखाता हूँ साइड की, और इसके बाद अब दिखाता हूँ आपको मैं जो इसकी मेन वायरिंग है। देखिए यहाँ पर मेन वायरिंग आपको कहीं पर नज़र आ रही है, नहीं आ सकती, क्योंकि हम करते हैं कपलर टू कपलर काम। ये देखिए ये कपलर है जिसमें फॉग लैंप लगी हुई है, ये पूरा इंस्टॉल्ड है, और इंस्टॉल्ड करें समझ गए आप कि कोई वायर कटिंग कुछ भी नहीं है कहीं से ही। देखिए और ये हार्नेस जा रही है इसकी जो कि आपको मिल जाएगी, तो कोई सी वायर आपको कहीं से दिखने नहीं वाली है इसके अंदर। डिटेलिंग वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ हर गाड़ी की ज़्यादातर, जिससे आप लोगों को ईजी रहे काफ़ी ज़्यादा। इधर हो गया, अब आपको इधर भी दिखाया हूँ दूसरी साइड, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं इस तरफ नहीं घुमाया होगा तो इस तरफ वायरिंग दिखाई देगी, तो इस तरफ भी आपको कहीं वायरिंग नहीं मिलेगी, देख सकते हैं आप, ये होता है प्रॉपर वर्क। और बाकी इसके बाद मुझे लगता है कि आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये समझा रहा कि भैया जब भी आप काम कराएं प्रोफेशनल से कराएं, खोल तो हर कोई देता है बट फिट करना थोड़ा टिपिकल होता है, चाहे वायरिंग हो चाहे बाइक हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको आना कहाँ पर है पता है आपको, बाकी थोड़ा भाई लोग पूछ लें, थोड़ा कुछ खा रहे हैं कोई डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी भाई लोग बताएंगे आपको जरा, यहाँ पे काम हो रहा है मतलब अभी तक जो हमने देखा बहुत अच्छी सर्विस है, और आज भाई तो बढ़िया है ही, बाकी खाने को भी मिल रहा है, अरे अच्छी बात है। तो वायरिंग वगैरह भी मैंने देखी बहुत अच्छी है, और इलेक्ट्रिकल काम बहुत अच्छा है, यहीं से कराइए जिसको भी कराना है। एंड यू? वायरिंग मैं पर्सनली देख रहा हूँ कहीं पे भी सीरियसली कोई कटिंग नहीं है, कपलर टू कपलर काम हो रहा है, जो एक मेन कंसर्न होता है बींग ए कस्टमर। मैं शॉप पे इसलिए आया था, मैंने उनकी वीडियोज देखी थी कि काम बहुत प्रोफेशनलिज्म से होता है, तो एक्चुअली में अच्छा काम हो रहा है, और जो एक परफेक्शन होती है एक इलेक्ट्रिक वायरिंग उन सब चीज़ों में, तो अच्छा कर रहे हैं काम, अच्छा है। देखा इसलिए मैं बीच बीच में दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि हम सामने काम करते हैं, हम पीठ पीछे काम नहीं करते कि दिखा दिया और उसको भैया आप थोड़ा बाहर आ जाइए ऊपर चले, ना सामने कराइए, कोई दिक्कत से आपको पता लगाना जरूरी है कि आपके भाई में कैसे काम हो रहा है।
तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसके अंदर की गाड़ी जब आई थी तो उस टाइम पर हमने वर्क जो स्टार्ट किया था, काम कुछ हुआ हुआ था, कुछ नहीं हुआ हुआ था उस टाइम पर। और आपने वायरिंग वगैरह भी देख ली कि मैंने किस तरीके से दिखाया, कपलर टू कपलर हम काम करते हैं। अब ऑल अबाउट हो चुके हैं कम्प्लीट। कम्प्लीट होने का बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या हुआ है और क्या क्या इसमें रह गया है। देखो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्बो किट। कॉम्बो किट बोलो, कॉम्बो किट के अंदर बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। टोटल मिलते हैं आपको 8 आइटम। सबसे पहले मिलेगा आपको हेडलाइट ग्रिल जो कॉम्बो किट का पार्ट है, फिर मिलता है आपको GPS माउंट, ये भी कॉम्बो किट का पार्ट है, और उसके बाद आपको मिलता है इसे मास्टर सिलेंडर कैप 1, मास्टर सिलेंडर कैप 2, मास्टर सिलेंडर कैप 3, ठीक है ना। ये आपके हो गए 3 और 2, 5 आइटम। उसके बाद मिलेगा आपको टॉप रैक प्लेट जो कि 6 आइटम हो चुके हैं। उसके बाद मिलेगा आपको रेडिएटर गार्ड और नीचे मिलेगा आपको सम गार्ड। ये होते हैं आपके कॉम्बो किट के पार्ट जो कि टोटल होते हैं 8 आइटम। 8 आइटम में आपको पूरा आपको बेनिफिट मिल जाता है इनके अंदर एक साथ लगवाने के लिए। अब मैं बता देता हूँ कि इसका यूज़ क्या क्या होता है। देखो हेडलाइट ग्रिल जो होती है इससे आपकी हेडलाइट भी सेफ हो जाती है, प्लस लुक भी एनहेंस हो जाती है। अब स्पाइडर लुकिंग के अंदर आपको देखने मिल रही है, ये लुक के साथ साथ कोई पत्थर वगैरह लगता है ना तो आपकी हेडलाइट होती है पूरी तरीके से सेफ, ऑफ रोडिंग हो चाहे ऑन रोडिंग। और उसके बाद GPS माउंट है, ये आपका बेसिकली यूज़ होता है। इसके अंदर आप चाहे GoPro लगा लो, चाहे इंस्टा लगा लो, चाहे लगा लो अपना मोबाइल होल्डर, कुछ भी आप इसके अंदर लगा सकते हो जो कि इजीली आपकी राइडिंग बन जाती है इसके अंदर कुछ भी लगाने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर वाइज़र जो कि ट्रांसपेरेंट वाइज़र है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये ट्रांसपेरेंट वाला वाइज़र है जो इसके अंदर इंस्टॉल किया है। आप चाहो तो इसके अंदर स्मोकी ब्लैक भी लगवा सकते हो, बाकी कोई और कलर चाहो तो आप उसमें रैपिंग भी करा सकते हो इजीली, वो भी विंड को कर देना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है आपके लगने के बाद। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ये लगा देंगे इसके फॉक्स राइडर जो गोल्डन आपके रिम होते हैं ना तो उसकी मैचिंग के लगा देंगे। इससे आपका शॉकर सेफ होता है नीचे से और आपकी डिस्प्ले भी होती है पूरी तरह से, और ABS तो बिल्कुल ही सेफ हो जाती है इसके अंदर। लुक के साथ साथ सेफ्टी मिलती है तो समझ सकते हो आप बेनिफिट डबल हो जाता है उसका। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर हैंड गार्ड, ये हैंड गार्ड है आपके ओरिजिनल वाले। देखो मैंने इसमें 2-3 वैरायटी आती है, सारी अपनी जगह बेस्ट है, बट ये जो है ये आपके और भी हैवी वाले हैं जो कि मिलता है BSGP वाले। ये अपग्रेड क्वालिटी है, जो पहले हम लगा रहे थे ना थोड़ा सा और अपग्रेड है उसमें, क्योंकि इसकी फिनिशिंग देख लो आप, ये पूरा आपका एल्युमिनियम की मिलेगी शीट और ये होती है आपकी प्लास्टिक जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी की है आप देख सकते हैं। और इसमें मिलती है स्टेनलेस स्टील के आपके क्लैंप्स, और इससे आपका ना हैंड और लीवर दोनों होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट, और साथ में विंड भी करता है कंट्रोल पूरी तरीके से। सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में आपको पता लू वगैरह नहीं लगती इसके अंदर, और बारिश में बताइए बारिश का पानी इसमें आगे से आने वाला है बिल्कुल भी नहीं है। दोनों तरफ मिलेगा, इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेक कर लो कैसे थे लगने के बाद। और साथ में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, ये देखिए ये है आपका बोपो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, बोपो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर आपके इसके लगा दिए गए जो मिलता है आपको वायरलेस वाटरप्रूफ, और इसमें C2C केबल भी लग जाती है आपकी, और अगर इसे निकालना चाहो तो इजीली देखिए इसका ये प्लग है जो आप इसको इजीली ये देखिए कोई खोलना नहीं कुछ, सिंपली निकाल कर ओपन करके इसे ले जा सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो, तो चोरी का खतरा आपका बच जाएगा अगर आपको लगता है आपकी बाइक बाहर खड़ी होती है उस केस के अंदर। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके मास्टर सिलेंडर कैप, ये भी इसके अंदर लगा दीजिए जो कि कॉम्बो किट का पार्ट है, लुक भी एनहेंस होकर सेफ्टी भी इससे हो जाती है पूरी तरीके से। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड, देखिए ये प्रीमियम क्वालिटी क्रैश गार्ड जो हमारा खुद का होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर ये हमारा बना होता है। और इसमें क्या होता है बेनिफिट आपको मिलता है, एक तो मिलती है इसकी पूरी गारंटी वारंटी, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम करते हैं एंड टू एंड चेंज। और दूसरी बात जब भी आपकी गाड़ी गलती से गिरती है कुछ होता है, आपका पूरा टैंक आपके लैग्स सब होते हैं प्रोडक्ट, स्लाइडर्स के अंदर लगे होते हैं 2 स्लाइडर्स, 2 इधर और 2 मिलेंगे आपको उस तरफ। लुक चेकआउट कर लो, इस तरह लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है लगने का, सेफ्टी भी मिल गई और लुक भी आपकी हो गई इसकी इनहेंस, दोनों आपको आपके हित में है सारा कुछ। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखिए ये आपको हिमालयन की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको रेडिएटर गार्ड, इससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी आप राइड करते हो ना, राइड करते हो क्या होता है आपको नहीं पता नीचे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो कुछ भी पत्थर वगैरह आकर अंदर लग सकता है जिससे आपका रेडिएटर डैमेज हो सकता है। अगर वो डैमेज हो गया तो आपकी गाड़ी वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी, और वो स्टॉप होने के बाद आपको बताया कि फिर मोटा खर्चा भी आ जाएगा और फिर आपको जहाँ भी जाना वहाँ जा नहीं सकते, तो उसके लिए इसमें रेडिएटर गार्ड लगा दिया है। नीचे सम गार्ड वही सेम यूज़, नीचे आपको होता है ऑयल फिल्टर करता है पूरी तरह से, साथ में डस्ट वगैरह आपकी पूरी तरह हो जाती है कंट्रोल इससे लगाने के बाद। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ आपको मेन चीज़ जो कि इसके अंदर फॉग लैंप्स, पहले मिलेंगे आपको ये वाली फॉग लैंप्स ऊपर की तरफ देख लो आप, HJG ओरिजिनल मिनी है आपकी डेविल वाली, इधर आपको मिल जाएगा HJG ओरिजिनल 70 वॉट की जो मिलती है आप कैप वाली। आपने मैडोप वगैरह देखा होगा ना, तो मैडोप का ही वर्जन आपका HJG के अंदर है जो कि आपको सेम देखने मिल जाता है इसके अंदर। रोशनी दिखाया तो आप किसकी कैसी आती है, चाबी ऑन करते ही ये देखिए रोशनी, ये इसकी रोशनी मिल जाती है। इस तरह इसमें आपको मिलता है हैजार्ड पैटर्न भी, हैजार्ड पैटर्न बोलो, इसमें हार्नेस लगी हुई है
जो कि हमने लगा रखी है। जितनी बार इसको आपका बटन ऑन ऑफ करूँगा, इसमें 3 से 4 बटन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। और अभी येलो है, कवर हटाऊँगा तो आपको हो जाएगा वाइट। देखिए ये हो गया वाइट आपका। तो ये इसके फीचर्स आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर। और आप चाहो तो कवर को घर पर रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कवर लगा के करना है, नॉर्मली वाइट भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। और इसको करते हैं बंद। अब दिखाता हूँ आपको दूसरी वाली स्टार्ट करने के बाद। ये देखिए इसकी रोशनी, पहले आपको मिलेगी वो रेड डेविल, इधर और इधर आपको रिंग भी मिल जाता है इसके अंदर साथ में। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसकी रोशनी। देखिए ये आपकी हो गई येलो, सामने देखो ये आपकी हो गई वाइट, येलो वाइट, और साथ में येलो वाइट भी है। ये देखिए येलो वाइट भी साथ में मिल जाएगा आपको। देखिए तो ये सारे फीचर्स, इसके 4 फीचर्स वाले मिल जाते हैं आपको। मिनी ड्राइव करते हैं इसे बंद, और आपको एक चोर चेकआउट करना फ्रंट से ही, जो कि मिलेगा आपको इसके अंदर हॉर्न, जो कि इसके अंदर लगा देंगे ओरिजिनल हला के। ये देखिए ये हॉर्न भी इसके अंदर लगा देंगे, जिसकी मिलती है आपको पूरे 6 मंथ की गारंटी काउंटर प्लेसमेंट। जब भी कोई चीज़ गारंटी देते हैं ना, तो हम देते हैं काउंटर प्लेसमेंट गारंटी, जिससे आपको बेनिफिट डबल मिल जाता है उसके अंदर। और जो फॉग लैम्प इंस्टॉल करने का जो हमारा तरीका, वो देख लीजिए। ये देखिए ये क्लैंप्स वगैरह लगा के करते हैं हम, प्रॉपर ओरिजिनल क्लैंप लग जाते हैं, जिससे आपकी बाइक भी सेफ हो गई ना, तो कोई होल करना पड़ेगा ना कुछ। सेम इधर सेम इसके अंदर भी देखो, दोनों के अंदर आपको मिलता है वही चीज़ जो क्लैंप मिलता है। होल वगैरह का हम नहीं करते हैं। कोई कहता है कि भैया मुझे पैसे बचाने हैं, तो बात अलग है, अदरवाइज हम होल कर बिल्कुल भी नहीं करते इसके अंदर। और अब दिखाता हूँ आपको एक और चीज़। ये देखिए ये आपको मिलेगी लैमिनेशन, जो ट्रिपल ए लैमिनेशन है, जो कि इसके अंदर कर दी के देख सकते हो आप। निकलने के वैसे तो बाइक बिल्कुल न्यू है, बट अब जज करो कि है नहीं कि, मैंने हटाया है तो पता लग गया है, वरना इसमें बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते की गई है नहीं की गई। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब भी हम करते हैं ना, तो आपने देखा था पहले मरगा हटा रखा था इसका, हम आगे मडगार्ड हो पीछे इसकी टेल बॉडी हो पूरा खोल कर किया जाता है लैमिनेशन, जिससे कि अंदर तक हो जाती है प्रॉपर तरीके से, कोई जुगाड़ नहीं होता, सिंपली इजी टू फिटेड होता है। आपका लैमिनेशन भी लग जाती है और आपके मडगार्ड भी आगे पीछे के दोनों आपके खुल के प्रॉपर तरीके से हो जाता है वन पीस के अंदर। और अब इसके बाद आप दिखाता हूँ बैक साइड के अंदर। आइए बैक साइड मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हैं ये आपका सैडल स्टे है, जो कि इसके अंदर लगा दी गई है। सैडल स्टे लगाने का मोटिव पता ही है वैसे आपको क्या होता है, आप चाहो तो इसके अंदर पैनियर वगैरह फिट कर सकते हो, और पैनियर फिट नहीं करने तो आप इसमें सैडल बैग लगा के भी आप राइड कर सकते हो इजीली, इसमें कुछ भी सामान कैरी कर सकते हो। और इधर आपको मिल जाता है इसके अंदर देख सकते हैं टॉप रैक प्लेट, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है। इसे लगाने के बाद कोई भी टॉप बॉक्स वगैरह लगाना चाहो तो इजीली आप लगा सकते हो, टॉप बॉक्स भी है, पैनियर्स भी है, सारा कुछ इसके अंदर इंस्टॉल हो सकता है। नेक्स्ट राउंड जो भैया का होगा वो होगा सिर्फ पैनियर और टॉप बॉक्स का, दो चीज़ें नहीं लगी है, बाकी इसमें सब कुछ हम लगा चुके हैं जो जो इसके अंदर लगता है। और यहाँ पर आकर इसके बाद इसकी तो होगी मॉडिफिकेशन कंप्लीट। अगर आपको भी ऐसी कोई मॉडिफिकेशन करानी हो तो आप आ सकते हो आप अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, और मैं मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको फाइनली कैसा। सुबह जल्दी आ गए थे अर्ली मॉर्निंग, और अभी 3:30 बज चुके हैं, पूछते हैं उनसे बुलाते हैं। आइए तो हेलो सर। हाय। तो सर वेलकम बैक वन सेकेंड, थर्ड बार है जो मैंने आपको बुलाया है। थैंक यू। अब बताइए फाइनली आपको कैसा लगा? तो बेसिकली जो हम बाइक लेके आए थे, बहुत ही उस टाइम पे एक नॉर्मल लुक था इसका, बट अभी काफ़ी एनहेंस हो गया है। जैसा आपने बताया था सारी चीज़ें, चाहे कॉम्बो किट की बात हो या लाइट्स हो जो आपने लगाई हैं, बाकी वाइजर्स वगैरह और ये मोबाइल होल्डर, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें जो आपने लगाई है। साथ ही साथ इसके वजह से जो लुक मैं देख रहा हूँ, काफ़ी एनहेंस लग रही है और हैवी लग रही है बाइक पहले से, जो एक्चुअली बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रही है। फर्स्ट टाइम अगर मैं देख रहा हूँ इसको इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा काम था आपका, बिहेवियर आपका, काम का स्टाफ और बाकी जो, जैसे मैं देखता हूँ कहीं पे कोई मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको बुला के मैं दिखाता हूँ, उसको रिजॉल्व करवाते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, आई लाइक डेट, थैंक यू। तो जैसा आपने यूट्यूब में देखा था, आपको ये तो नहीं था कि यार यूट्यूब पे कुछ और शायद सामने कुछ और ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, डिट्टो, मतलब सिमिलर लगा, आप भी, आपका काम भी, और आपकी जैसे सीरीज आप लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी, और ओवरऑल जो इसका आउटकम आया वो भी लगभग। सो मच आपका आने के लिए। और ये थे भैया जिन भैया की ये हिमालयन 450 थी। आपको भी अगर करानी है अपनी कोई सी बाइक, कोई सी भी स्कूटी, ज़रूरी नहीं कि आपकी रॉयल इनफील्ड बाइक हो, आपकी सुपर बाइक हो, या आपकी देख सकते इस सेगमेंट की बाइक हो जो KTM एडवेंचर दिख रही है आपको इधर, और भी आपकी कोई सी जैसे कि सुपर बाइक में आपकी अभी जल्दी में डालने वाला हूँ वीडियो, किसकी हो सकता है पहले उसकी आएगी, इसकी बाद में आएगी, आप देख लेना मेरे चैनल में चेकआउट कर लेना, निंजा Z1000 की, तो उसको जरूर देखना, उसमें बहुत सारा कुछ किया गया है। और ऐसी आने वाले टाइम में मैं डुकाटी वगैरह और बहुत सारी बाइकों की मैं एक्सीरीज लाने वाला हूँ बाइक के ऊपर। तो आपको करना क्या, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना राजू भाई SKD को, जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी, और लोकेशन एड्रेस वैसे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको क्वारीज जो भी हो वो कहीं भी ऑल इंडिया मंगा भी सकते हो, हम भेज भी दें सारा सामान कहीं पर, ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी है। डिलीवरी का टाइम जो होता है वो 6 to 7 days का होता है जो पहुंचने का टाइम, बाकी उसके बाद भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी होती है। बाकी आपको पता नहीं क्या करना है, जल्दी से आना है या कोई सामान कर चाहिए तो आप
नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कर सकते हो। लोकेशन बता दिया, डिस्काउंट डला हुआ, बाकी फिर भी एक बार बताया तो आपको, जब भी आप आते हो ना अपनी शॉप पर, तो सबसे पहले मिलेगी झंडेवाल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, जो कि मिलेगी हनुमान जी की विशाल मूर्ति। वहाँ पहुँच गए तो मेरी शॉप का डिस्टेंस मात्र रहता है 100 मीटर का, जो कि हमारी शॉप से जस्ट अपोजिट ही है। वहाँ से जैसे एंटर मारेंगे आप गफ्फार वाला रोड, ये हमारी शॉप से निकल के जाता है, जो कि आर्य समाज रोड कहलाया जाता है। कार मार्केट रोड, ये भी हमारी शॉप के सामने से निकल जाता है, जो कहता है आर्य समाज रोड। नायवलन मार्केट, ये भी यहीं से निकल जाता है। तो कहीं भी आप एंटर मारते ना, तो पहले आपको आर्य समाज रोड पर आना ही पड़ेगा। और जब इस पर पहुँच गए आर्य समाज रोड पर, तो पहले चौक पर मिलेगी मेरी ये वाली शॉप जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और दूसरी जो शॉप है वो मेरी सेकंड चौक पर है। जैसे ही आप आओगे तो फर्स्ट चौक अगर गलती से मिस हो जाता है तो सेकंड चौक पर भी मिल जाएगा मेरी शॉप, जो कि राजू भाई के नाम से मिल जाती है आपको। तो जब भी आते हो, बाकी कॉल करके आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत बिल्कुल ही मिलेगी। बाकी वीडियो शेयर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजू भाई स्टडी को यूट्यूब और इंस्टा दोनों को। मिलते हैं फिर इस बार नेक्स्ट वीडियो, जस्ट टाइम, गुड बाय।